आज मैंने बनाया है आलू बीन्स की तरी वाली सब्जी बिल्कुल मेरे स्टाइल में। सिंपल सी सब्जी है लेकिन टेस्ट इसका बड़ा ही जबरदस्त आता है, बहुत ही डिलीशियस बनती है, तो एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं तनु और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल तनुज 5 फोरन में। अगर आपने मेरे चैनल तनुज 5 फोरन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए याद से बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। तो चलिए आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तरी वाली आलू बीन्स की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गरम होते ही हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डालकर हम 2-3 मिनट के लिए हल्का सा प्याज को भून लेंगे। तो जब तक हमारा प्याज भुन रहा है, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट और इसको डालकर कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा चला लेंगे। तो ये हो गया है फ्राई। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ का कटा हुआ आलू। आप देख सकते हैं आलू मैंने कैसे काटा है और साथ ही मैं यहाँ पे 250 ग्राम बीन्स मैंने लिया है, इसको भी मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। तो आलू और बीन्स आप चाहे तो थोड़े से लंबे शेप में भी काट सकते हैं, मेरी तरह भी काट सकते हैं, इससे बारीक भी काट सकते हैं। 2-3 मिनट के लिए आलू और बीन्स को फ्राई करेंगे। ये देखिए आलू और बीन्स हमारा हल्का सा पक गया है, हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मैंने लिया है 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को इस समय लो पर रखें ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मसालों को सब्जियों में अच्छे से कर लेंगे मिक्स और थोड़ा सा हम इसको फ्राई भी कर लेंगे। तो ये हल्का सा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 2 टमाटर डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, आप चाहे तो 2 से 3 भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। याद रहे मसाले डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो पर कर देना है और थोड़ा सा चलाने के बाद ही हमें टमाटर डाल देना है ताकि मसाले जले भी नहीं और साथ ही टमाटर भी पक जाए। तो यहाँ पे अब हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर थोड़ा सा ढक देते हैं ताकि टमाटर पक जाए। 2-3 मिनट के बाद इसे खोल लेंगे। आप देख सकते हैं तेल अलग होने लगा और टमाटर भी पक गया है। अच्छी तरीके से सारे चीज़ों को चला लेंगे। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, बनाना बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है सब्ज़ी। अब हम पानी डाल देंगे, तो जितनी तरी चाहिए आपको उस हिसाब से पानी डालें और नमक भी एडजस्ट करें। तो आज हम तरी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, पर आप चाहे तो इसी सब्ज़ी को आप थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी भी बना सकते हैं, यानी कि जिस स्टेज में मैंने पानी डाला है उसी स्टेज में थोड़ा सा और पका लें तो ये सूखी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक कर पका लेंगे। 5-7 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। फटाफट से बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बार। आलू और बीन्स अच्छे से पक जाना चाहिए, बस उतना हम इसको पका लेंगे। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में ही डालें, इससे इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया सा आता है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। तो ये हमारी सिंपल और टेस्टी आलू बीन्स की तरी वाली सब्जी बनकर हो गई है तैयार। सब्जी का कलर देखकर, टेक्सचर देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी। और एक्चुअली दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे स्टाइल वाली आलू बीन्स करी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, तो ज़रूर ट्राई करना। इसको मैंने सर्व किया है पराठे के साथ, आप चाहे तो रोटी या पूरी या प्लेन राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पे सैलेड ले लिए हैं और ट्रस्ट मी एक बार बनाओगे तो आप 2 रोटी की जगह में 5 रोटियां ज़रूर खाओगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो अगर आज की आलू बीन्स की तरी वाली सब्जी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल तनुज 5 फोरन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।